संविधान बचाओ अभियान के बाद अब कांग्रेस का ध्यान उन सीटों पर है जहां दलितों की संख्या ज्यादा है और जहां जल्द चुनाव होने हैं। कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी को हराने के लिए दलितों का समर्थन जरूरी है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं गोनी संवाददाता आदेश रावल। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी में दलित वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी की तरफ से यह फरमान दिया गया है कि पार्टी एससी और एससी सीटों पर ध्यान दे और जहां ज़्यादा दलित वोट बैंक है उन सीटों को चुने और वहां जो मजबूत लोग हैं उनको टिकट दे ताकि 2019 में दलित वोट बैंक के साथ वो राजनीति कर सके और एक टारगेट के रूप में 2019 को देखते हुए दलित वोट बैंक को राहुल गांधी ले रहे हैं। इससे पहले इसी महीने 23 अप्रैल को दिल्ली में संविधान बचाओ के नाम से रैली की गई थी जिसमें एक साल का प्रोग्राम दिया गया कि कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर जाकर पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो दलितों को ये बात जाके बताया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ मिलकर काम कर रही है। दरअसल राहुल गांधी का मानना है कि जो दलित वोट बैंक पार्टी के साथ होता था उसको वापस लाया जा सकता है। अगर एक दो केसेस छोड़ दें कि मायावती यूपी में, रामविलास पासवान बिहार में, तमिलनाडु में जो रीजनल पार्टीज हैं वो, इसके अलावा पार्टी को राहुल गांधी को लगता है कि जो दलित वोट बैंक है वो पार्टी के साथ है। तो ऐसे में जिस तरीके से बार बार राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं दलितों को लेकर उस पर फोकस करने की जरूर फोकस किया जा रहा है पार्टी की तरफ से। और इसमें मकसद राहुल गांधी का ये है कि वो दिखाना चाहते हैं कि जो मोदी सरकार है वो दलित विरोधी है और जो राहुल गांधी और जो कांग्रेस पार्टी है वो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में ये नया टारगेट दिया गया है जो एससी एसटी सेल है उनके चेयरमैन को और जो दलित नेता है कांग्रेस पार्टी के उनको कि जहाँ जहाँ दलित वोट बैंक है और जहाँ उनके मजबूत नेता है उनको ढूंढा जाए, टारगेट किया जाए और 2019 में ज़्यादा से ज़्यादा दलित सीटें जीत के कांग्रेस पार्टी आ सके। दिल्ली से आदेश रावल, को न्यूज़।